तो भंग की जंग लगातार पश्चिम बंगाल के अंदर जारी है और देखना आज यही होगा कि नंदीग्राम में जहां से ममता बनर्जी उपजी थी, क्योंकि देखिए यहीं से आंदोलन की उन्होंने शुरुआत की थी, यहीं से पश्चिम बंगाल की जनता के मन में वो बसी थी और नंदीग्राम में ही किसान समर्थन वाली छवि ममता बनर्जी ने अपनी बनाई थी। अब क्या यही नंदीग्राम ममता बनर्जी के राजनीतिक इतिहास का पतन तो नहीं कर देगा? अहम खबर भंग की जंग से इस वक्त की जो जोड़ी में मिल रही है, आपको बता दें बांकुड़ा में बूथ नंबर 2 पर ईवीएम खराब हो गई है। अभी वोटिंग शुरू हुए 20 मिनट ही हुआ है, ईवीएम खराब होने की वजह से वोटिंग अब तक शुरू नहीं हो पाई है। पोलिंग बूथ के बाहर भारी संख्या में वोटर्स इस वक्त जमा दिखाई दे रहे हैं, भीड़ बढ़ती चली जा रही है, लेकिन बूथ नंबर 2 पर ईवीएम खराब है और अब तक वोटिंग शुरू नहीं हो पाई है। मेरे सहयोगी ने रिपोर्ट भेजी है, जायजा लिया है रोहित की, ये रिपोर्ट आप देखिए। बांकुड़ा विधानसभा में हूँ, देखिए 7 बज चुके हैं और उसके बाद ये देखिए कतारें लग चुकी हैं लोग वोट डालने के लिए, और वोट डालने के लिए महिलाएं भी बड़ी जागरूक हैं और उसके बाद अब वोटिंग प्रोसेस यहाँ पे शुरू होगा। दोनों साइड से कतारें लग रही है। 7 बज चुका, वोटिंग शुरू नहीं हुई अभी तक, कुछ पता चला? ना, वोट तो नहीं शुरू होगा, वो ये मशीन के खराब है ना। अच्छा, मशीन खराब है। तो देखिए ये जानकारी मिल रही है कि 7 से ऊपर का वक्त हो चुका है बांकुड़ा के, ये बूथ नंबर 3 है ना, 2 बूथ नंबर 2 पे आप देखिए, ये बूथ नंबर 2 पे आप ये देखिए वोटिंग शुरू नहीं हुआ है क्योंकि यहाँ पर अभी ईवीएम मशीन आया और अंदर में उसको चेक करने की प्रोसेस चल रही है। इसमें मैं आपको बता दूं ईवीएम में खराबी बताई जा रही है, इसलिए ईवीएम में कुछ दिक्कत आ रही है, ईवीएम की दिक्कत की वजह से यहाँ पे वोटिंग अभी तक शुरू नहीं हो पाया है। तो 7 से ऊपर का वक्त हो गया जिसकी वजह से लोग थोड़े नाराज भी नजर आ रहे हैं। इधर मैं कहूंगा डेविड एक बार इधर आइए, मैं ये पूछूं वोटिंग अभी 7 बजे क्या वक्त है, और 7 बजे से पहले से ही 6:30 बजे से ही लोग यहाँ पे आने शुरू हो चुके हैं। 7 से ऊपर का टाइम हो गया, अभी तक वोटिंग शुरू नहीं हुई। हाँ, ये बता रहे हैं ये कोई मशीन का कोई गड़बड़ी है, पता नहीं अभी पता चलेगा। तो सारे सहयोगी मेरे बने हुए हैं, रोहित की रिपोर्ट आपने अभी देखी और रोहित इस वक्त जुड़े भी हुए हैं हमारे साथ। ये भी आपको बताऊं कि मेरे तमाम सहयोगी, चाहे वो श्वेता है, प्रत्युष है, रमन है, प्रिया असम में इस वक्त मौजूद है, इसके अलावा रमन भी मेरे साथ जुड़े हुए, हर किसी का हम रुख एक करके करेंगे। सरफराज बस जैसे ही पहुंचे सुवेंदु अधिकारी, सबसे पहले आप हिंदुस्तान पर वो तस्वीरें दिखाएगा, लेकिन रमन रोहित आपके पास मैं आ रही हूं, अभी क्या वोटिंग शुरू हो पाई है? और एक रिजर्व भी तो ईवीएम होती है जो स्पेयर होती है, उसका इस्तेमाल अभी तक क्यों नहीं किया गया? वेट करना पड़ेगा। तो वेट करने में कोई दिक्कत? रोहित आप तक अगर आवाज पहुंच रही है तो फटाफट से। अच्छा, रोहित तक आवाज नहीं पहुंच रही है। सरफराज आपका मैं रुख कर रही हूं, अभी हलचल क्या बढ़ गई है? सुवेंदु अधिकारी पहुंचने वाले होंगे? देखिए किसी भी पल शुभेंदु अधिकारी पल गए, हमें जानकारी मिली है शुभेंदु अधिकारी अपनी गाड़ी से उतर गए हैं, इसी रूट से आएंगे क्योंकि गाड़ी यहां तक नहीं आ सकती और बाहर और यहां की डिस्टेंस तकरीबन 2 किलोमीटर का था, लेकिन उससे पहले वो वहां पर बैठ गए हैं और किसी भी पल आगे के लिए हम पोलिंग बूथ से थोड़ा सा इधर आ गए ताकि जी हिंदुस्तान दर्शकों को मैं सबसे पहले तस्वीरें दिखा दूं। कैमरामैन से कहूंगा कि थोड़ा सा आगे और आ जाइए ताकि सुविधा आसानी हो जाए कि हम एक्सक्लूसिव तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा दे। देखिए कितना सक्रिय हो रही है 76 बूथ का, और शुभेंदु अधिकारी जो लोग यहां से गुजर के आ रहे हैं उनके जरिए मुझे पता चला है कि शुभेंदु अधिकारी वहां से निकल गए हैं और वो बाइक पर या स्कूटी पर सवार होकर यहां पर किसी भी पल पहुंचने वाले हैं, और हो सकता है कि जैसे ही मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं शुभेंदु अधिकारी पीछे से आ भी जाए और मैं कोशिश करूंगा कि उनसे मैं बातचीत करूं, लेकिन ये जी हिंदुस्तान के दर्शकों को एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा हूं। शुभेंदु अधिकारी यहां से आएंगे और इस की तरफ जाएंगे, जरा कैमरामैन से कहूंगा पीछे की तस्वीरें दिखाइए। मैं आऊंगी सरफराज आपके पास जब शुभेंदु अधिकारी पहुंचेंगे, लेकिन ममता बनर्जी के घर के बाहर क्या हालचाल है? ये ठीक है आज उन्हें वोट नहीं डालना है भवानीपुर छोड़कर के, भले वो आ चुकी है यहाँ पर नंदीग्राम, लेकिन वोट उनको वहीं पर कास्ट करना है। लेकिन प्रत्युष और श्वेता क्या हालचाल आपकी तरफ दिखाई दे रही है? ममता बनर्जी के घर के बाहर क्या भगवा दिखाई दे रहा है, क्योंकि पद्म फूल तो इसके पहले आप लोगों ने दिखाई दिया था? श्वेता देखिए यहाँ से, श्वेता आप बताएं। जी बिल्कुल, आपने जैसा कहा शालिनी, हमने फूल तो दिखा दिया था, लेकिन दीदी का घर दिखाते हुए एक तस्वीर और दिखाना चाहेंगे, जो तस्वीर प्रत्युष दिखाना चाह रहे थे उस वक्त। हालांकि ये तस्वीर काफी इंटरेस्टिंग इसलिए भी हो जाती है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ शुभेंदु अधिकारी की तस्वीर, ठीक दीदी का ये घर
ये आप देखिए हरे रंग का घर जो दिख रहा है दीदी इसी में है। और मुकेश जरा कहूंगी कि जूम इन करके दिखाइए वो तस्वीर, वो दीदी का घर देखिए शाली, और ये पोस्टर प्रत्युष, ये पोस्टर बहुत कुछ कहता है। देखिए जो क्या होगा ये जनता को डिसाइड करना है, लेकिन बहुत दिलचस्प तस्वीर है। और ठीक देखिए दीदी के घर की चौखट के पास मैं और श्वेता दोनों खड़े हैं, दीदी हमसे चंद कदम के फासले पर है, इसी घर पर दीदी है। और देखिए दीदी के घर के सामने जो तस्वीर है ये बहुत कुछ बयां कर रही है। टीएमसी के झंडे, ममता दीदी के छोटे छोटे कटआउट दिख जाएंगे, और साथ में देखिए शुभेंदु अधिकारी, नीचे जो लिखा हुआ है वो बांग्ला में जो मैंने समझ पाया है, वो मैं समझ पाया, वहां पर लिखा हुआ है कि नंदीग्राम जो है भूमिपुत्र को चाहता है, किसी बाहरी को नहीं। और वहां पर आपको ममता दीदी का वो पोस्टर जो स्लोगन टीएमसी का शुरू से है कि देखिए ये वाला बांग्ला निजेर में ही कुछ आए, तो ये तस्वीर है सूबे की मुखिया के घर की चौखट के सामने। और दीवारों पर देखिए वो जोड़ा फूल नहीं है, वो है पद्म फूल यानी कमल फूल, उधर भी देखिए। क्योंकि अमूमन बीजेपी वाले ये आरोप लगाते हैं कि जैसे ही हम कहीं जाकर के पोस्टर या फिर बैनर लगा करके आते हैं टीएमसी कार्यकर्ता उसे हटा देते हैं।